प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 जून को गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों को 3,054 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के तहत कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है कि वो गौरव इस बात का है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे गौरव इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद भी जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेन भाई और सीआर पाटिल की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख लोगों का विशाल जनसमूह है। उन्होंने कहा कि गुजरात का गौरव बीते 2 दशकों में हुआ तेज विकास है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षा है। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी के ये प्रोजेक्ट वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हुए, तब तो ये सुविधाएं रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि 8 साल पहले आपने अनेक आशीर्वाद देकर बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों लोगों को अनेक नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। आज़ादी के इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिन क्षेत्र, जिन वर्गों को इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वहाँ उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। उन्होंने कहा कि आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला। इस सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।